हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को हिंदी का पाठ 11 जीता कौन पढ़ाने वाली हूँ। इसको लिखने वाले हैं सत्य प्रकाश अग्रवाल उमंग। प्रस्तुत पाठ में कछुए और खरगोश की प्रचलित यानी प्रसिद्ध पुरानी कहानी को नए रूप में प्रस्तुत किया गया है। एक युवा यानी नौजवान खरगोश और अपने पूर्वजों की पराजय अर्थात हार के कलंक को यानी धब्बे को धो देने का निश्चय यानी प्रण करता है। वह अपनी बदनामी से मुक्ति यानी आज़ादी पाने के लिए एक बार पुनः यानी फिर से दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन करवाता है, फिर भी इतिहास को नहीं बदल पाता। यह सब कैसे हुआ, प्रस्तुत पाठ में इसे अत्यंत व्यंगात्मक एवं रोचक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। इसमें बताया गया है कि ये जो पाठ लिखा गया है, इसमें कछुए खरगोश की जो प्रसिद्ध कहानी है पुरानी, उसको नए रूप में लिखा गया है। एक युवा खरगोश जो अपने पूर्वजों की पराजय का जो कलंक लगा है, दाग लगा है, उसको धोने का निश्चय करता है। वह अपनी बदनामी से आज़ादी पाने के लिए एक बार फिर से दौड़ की प्रतियोगिता का आयोजन करवाता है, फिर भी सदियों से जो चली आ रही इतिहास है उसको बदल नहीं पाता है। और यह सब कैसे होता है, इस पाठ में बहुत ही अच्छे ढंग से व्यंगात्मक ढंग से इसे लिखा गया है, प्रस्तुत किया गया है। चलिए हम लोग पाठ को पढ़ते हैं और इसके विषय में जानते हैं। दौड़ में कछुआ खरगोश को हरा देता है। यह युक्ति यानी कहानी सुनते सुनते जब कान पक गए तो एक युवा खरगोश तैश खा गया। तैश में आना कि जोश में आना, न जाने वह कौन सा पूर्वज था जो बीच दौड़ में सो गया और हमेशा हमेशा के लिए खरगोश जाति के मुख पर कालिख यानी करखा पोत गया। भला कहाँ कछुआ और कहाँ खरगोश, एक 20 बार पैर मार कर मुश्किल से 10 सेंटीमीटर सरकता है और दूसरा एक छलांग में कई मीटर नाप देता है, फिर भी सदियों से हारा हुआ कहलवाता चला आ रहा है ना। घोर अनर्थ, घोर यानी गहन, अनर्थ यानी बुरा, घोर नाइंसाफी यानी बहुत ही अन्याय है, वह भी मात्र एक पूर्वज की गलती के कारण। न जाने कौन सा नशा करके दौड़ा था, फिर भी अपने टांगों की उछाल और रफ्तार के घमंड अर्थात अहंकार में चूर हो गया था। बीच दौड़ में टांगे पसार कर बेफिक्र हो गया, सो गया और कलंक का बोझ सारी कौम यानी जाति ढो रही है। कोई बात हुई भला, आहत यानी दुखी खरगोश ने इस सदियों यानी बहुत ही पुराने कलंक को धोने की ठान लेता है, निश्चय कर लेता है और शहर के कछुओं से भरे बड़े तालाब के किनारे जो एक बार भी फिर से दौड़ की चुनौती दे डाली, उन्हें ललकार कर आया। यहाँ पे कह रहे हैं कि दौड़ में कछुआ खरगोश को हरा देता है। यह कहानी सुनते सुनते जब खरगोश, युवा खरगोश ऊब जाता है तो जोश में आ जाता है। वह ना जाने कौन से पूर्वज थे जो बीच दौड़ में सो गए और हमेशा हमेशा के लिए खरगोश जाति के मुँह पर करखा पोत गए, ऐसा वह सोचता है और कहता कि भला कहाँ कछुआ और कहाँ खरगोश, एक 20 बार पैर मार कर मुश्किल से 10 सेंटीमीटर सरकता है और दूसरा एक छलांग में कई मीटर नाप देता है, फिर भी सदियों से हारा हुआ कहलाता चला आ रहा है। यह घोर अनर्थ है, ये नाइंसाफी है, अन्याय है, वह भी किसके कारण से, मात्र पूर्वजों के गलती के कारण। वह न जाने कौन सा नशा करके दौड़ा था या अपनी टांगों की उछाल की रफ्तार पर उसे घमंड था, उसमें चूर था, उस घमंड में बीच दौड़ में ही टांगे पसार कर सो गया, यानी टांगे पसारना यानी निफिक्र होकर बेफिक्र होकर सो गया और कलंक का बोझ जो है सारी खरगोश जाति ढो रही है। करा यह कोई बात हुई भला, ये दुखी खरगोश ने सदियों यानी हमेशा से चले आ रहे पुराने कलंक को धोने का निश्चय करता और शहर के कछुओं से भरे बड़े तालाब के किनारे जो एक बार फिर से उन लोगों को ललकार कर आता है, चुनौती दे डालता है। आगे पढ़ते हैं। चुनौती की गर्जना सुनकर कछुए स्तब्ध अर्थात सन्न रह गए, मुंह से एक बोल भी नहीं फूटा। एक बोल न फूटने का मतलब होता आवाज़ न आना।
उत्तर ही नहीं सूझा। दौड़ में अच्छी खासी प्राचीन यानी पुरानी ख्याति यानी प्रसिद्धि चली आ रही थी। आज यह कौन सिरफिरा यानी पागल चुनौती देने आ पहुंचा। हर कछुए ने जब से होश संभाला था, खरगोश से दौड़ जीतने का तमगा यानी पदक मेडल गले में लटका पाया था। जब खरगोश ने कछुओं को चुनौती दिया तो चुनौती की गर्जना सुनकर सभी कछुए सन्न रह गए, शांत हो गए। मुंह से किसी के एक आवाज़ भी नहीं निकला, उन्हें कोई उत्तर ही नहीं सूझ रहा था। और कह रहे थे कि दौड़ में अच्छी खासी पुरानी प्रसिद्धि चली आ रही थी, आज ये कौन पागल जिसका सिर फिर गया और चुनौती देने चला आया। जब से कछुओं ने होश संभाला है तब से खरगोश से दौड़ में जीतने का तमगा यानी मेडल पदक जो है अपने गले में लटका हुआ पाया है। अब इसे दोबारा सिद्ध यानी प्रमाणित करने की क्या ज़रूरत आ पड़ी। एक बुजुर्ग कछुए ने बात को टालने की कोशिश की। भाई खरगोश, अब दौड़ की क्या ज़रूरत है? दौड़ जो होनी थी हो चुकी, सारे जमाने को उसके नतीजे यानी परिणाम का पता है। अब बार बार तो दौड़ नहीं होती। कह रहे हैं कि कछुआ कहने लगा कि अब इसे दोबारा सिद्ध करने की ज़रूरत क्या आन पड़ी है। एक बुजुर्ग यानी वृद्ध कछुए ने बात को टालने का प्रयत्न किया और कहा, भाई खरगोश, अब दौड़ की ज़रूरत क्या है? दौड़ जो होनी थी हो चुकी, उसका परिणाम सारे ज़माने को पता हो गया है और बार बार दौड़ कराने की ज़रूरत नहीं है, दौड़ बार बार नहीं होती है। आगे पढ़ते हैं, कैसे नहीं होती? वह दौड़ एक धोखा थी, फरेब थी, हमारी जात को बदनाम करने का षड्यंत्र अर्थात साजिश था। मैं उस दौड़ को नहीं मानता। अगर तुम दौड़ में सचमुच जीत सकते हो तो आओ, मुझसे जीत कर दिखाओ। खरगोश आपे से बाहर हो गया यानी क्रोधित हो गया। तैस खाने में कुछ नहीं रखा था, अतः बुजुर्ग कछुए ने शालीन यानी नम्र तर्क यानी उदाहरण प्रस्तुत किया। देखो, तुम जवान खून हो, हम वृद्ध हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, अब तुमसे क्या दौड़ लगाएंगे? जवानी में कुछ कहते तो सोचते भी, बनो मत, खून तो तुम्हारे यहाँ भी जवान है। सारे कछुए वृद्ध नहीं हुए हैं, मैं तो किसी भी एक से दौड़ लगाने को तैयार हूँ। है कोई माई का लाल कछुओं में? माई का लाल का मतलब होता है बहादुर बेटा। खरगोश ने ताल ठोक कर दो बार उछाल भरी। ताल ठोकना यानी चुनौती देना। यहाँ पे कह रहे हैं कि जब वृद्ध कछुआ बात टालने की कोशिश करता और कहता कि दौड़ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है अब, तो खरगोश कहता है कि नहीं, वह दौड़ एक धोखा था, फरेब था, हमारी जात को बदनाम करने का साजिश था, मैं उस दौड़ को नहीं मानता। अगर तुम दौड़ में सचमुच जीत सकते हो तो आओ, मुझसे जीत कर दिखाओ। यह कहकर खरगोश क्रोधित हो जाता है, आपस से बाहर हो जाता है। तब वृद्ध कछुआ कहता है, जोश में आता है खाना यानी जोश में आने में कुछ रखा नहीं है। अतः बुजुर्ग कछुए ने बहुत नम्र उदाहरण देते हुए कहा कि देखो, तुम जवान खून हो, हम बूढ़े हो चुके हैं, अब तुमसे क्या दौड़ लगाएंगे? जवानी में कहते तो सोचते भी। खरगोश उनका उत्तर देता है कि बनो मत, तुम्हारे यहाँ भी जवान हैं, सारे कछुए बूढ़े नहीं हुए हैं, मैं तो किसी भी एक से दौड़ लगाने को तैयार हूँ। अगर कोई बहादुर बेटा है अपने माई का लाल है कछुओं में, तो आए दौड़ लगाने के लिए। यह कहकर खरगोश ने चुनौती देते हुए ताल ठोक कर दो बार उछाल मारी। आगे पढ़ते हैं, माई के लाल तो सभी थे, लेकिन अवसर इसका दावा करने का नहीं था। दावा करना यानी हक जताना। कछुए जितना बचना चाह रहे थे, खरगोश उतना ही लपेट रहा था। लपेटना यानी फंसाना। चुनौती स्वीकार करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। इस बात की क्या गारंटी थी कि इस बार भी खरगोश वही पुरानी गलती को दोहराएगा? खाम खा यानी बेमतलब, इतिहास बदल जाएगा, कहावत उलट जाएगी, मुंह काला हो जाएगा। चुनौती देने का अर्थ था, आ बैल मुझे मार। निर्बलता के दामन में संतोष मशरूम की तरह बढ़ता रहता है। सो जब्त खा कर यानी सहन करना बचाव का पासा फेंका। भाई, हम झगड़े फसाद में विश्वास नहीं करते, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो।
हमें अब कोई दौड़ नहीं लगानी। कह रहे हैं कि माई के लाल तो सभी थे, बहादुर बेटे सभी थे, लेकिन अवसर यानी मौका इस समय दावा करने का नहीं था। कुछ कछुए जितना बचना चाह रहे थे, खरगोश उतना ही उन्हें फंसा रहा था। चुनौती स्वीकार करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। इस बात की क्या गारंटी थी कि इस बार भी खरगोश वही पुरानी गलती को दोहराएगा, बेमतलब का इतिहास बदल जाएगा, कहावत उल्टी हो जाएगी, मुंह काला हो जाएगा यानी कलंक लग जाएगा। चुनौती उठाने का अर्थ था, चुनौती को स्वीकार करने का मतलब था आ बैल मुझे मार, यानी कि मुसीबत को स्वयं ही निमंत्रण देना। निर्बलता के दामन में संतोष मशरूम की तरह बढ़ता रहता है, अर्थात करें कि जब मनुष्य कमज़ोर होता है, शक्ति नहीं होती, तब संतोष करके बैठ जाता है और आगे नहीं बढ़ता। यदि व्यक्ति के मन में एक बार निराशा का भाव उत्पन्न हो जाए तो वह निराशा के गर्त में डूबते चले जाते हैं और हमारे भाग्य में इतना ही लिखा है यह मानकर बैठ जाते हैं और संतोष कर लेते हैं। सो जब्त खाकर यानी सहन कर बचाव का पासा फेंकते हैं। भाई हम झगड़े फसाद में यकीन नहीं करते, जैसा चल रहा है वैसा चलने दो, हमें कोई दौड़ लगानी नहीं है। आगे पढ़ते हैं। लेकिन खरगोश तो ठान कर आया था, ठान कर आना यानी तय करके आया था कि जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलने देगा। पूर्वजों का कलंक तो वह धोकर रहेगा, वह गर्जा लगानी कैसे नहीं है। अगर दौड़ नहीं लगानी है तो हार माननी पड़ेगी, घोषणा करनी होगी कि खरगोश से दौड़ हार गए। अब कभी कछुए को दौड़ में खरगोश से जीता हुआ नहीं समझा जाएगा। कछुए चुप्पी साध गए यानी शांत हो गए। करें खरगोश से जब कछुओं ने कहा कि अब दौड़ कोई नहीं लगाएगा, हम लोग को दौड़ नहीं लगाना है, तो खरगोश कहता है कि दौड़ कैसे नहीं लगाना, वह ठान कर आया था कि जैसा चल रहा है वैसा हम चलने नहीं देंगे। पूर्वजों ने जो कलंक लगाया है, दाग लगाया है, वो मिटा कर रहेंगे। वह गर्जा और कहा कि दौड़ कैसे नहीं लगानी है, अगर आप लोग को दौड़ नहीं लगाना है तो आप लोग को हार मानना पड़ेगा और यह ऐलान करना पड़ेगा कि खरगोश से आप लोग हार गए। अब कभी कछुए को दौड़ में खरगोश से जीता हुआ नहीं समझा जाएगा। खरगोश की ये बात सुनकर कछुए सभी चुप हो गए, शांत हो गए। आगे पढ़ते हैं। अब अचानक खरगोश को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे प्रेस को लाना चाहिए था, कोई संवाददाता होता जो उसकी इस दमदार यानी मजबूत चुनौती यानी ललकार को सनसनीखेज समाचार के रूप में प्रसारित करता, दिखाता, दूरदर्शन पर भी देता। अगर कछुए इस तरह टाल मटोल करते रहे तो कैसे दौड़ होगी दौड़। टाल मटोल करना यानी इधर उधर टालना। कैसे हो सकेगा खरगोश जाति का मुंह उजला यानी साफ, कैसे धुलेगी परंपरागत कालिक उसके चुनौती को, प्रस्तावित दौड़ को और उसके परिणाम को। पूरे प्रचार प्रसार की जरूरत थी, स्थानीय या राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय यानी विश्व स्तर जगत में भी। उस कलमुही कहावत का भी तो विभिन्न यानी अलग अलग भाषाओं में अनुवाद यानी परिवर्तन होकर सदियों से जमकर प्रचार हुआ है। अतः सोच समझकर खरगोश ने नया पासा फेंका। मैं कल फिर इसी समय आऊँगा, इस बार मेरे साथ प्रेस और फोटोग्राफर भी होंगे। अगर कोई कछुआ दौड़ लगाने के लिए राजी यानी तैयार नहीं हुआ तो समझ लो कहावत बदल जाएगी, देश विदेश के अखबारों में छापेगा कि अब खरगोश कछुए से दौड़ जीत गया है। कह रहे हैं कि अचानक खरगोश को अपनी भूल का एहसास हुआ, उसे महसूस हुआ कि वो अकेला, उसे अकेला नहीं आना चाहिए था, उसे प्रेस वालों को साथ में लेके आना चाहिए था। कोई संवाददाता पत्रकार होता तो उसकी इस मजबूत चुनौती को, ललकार को सनसनीखेज के रूप में समाचार के रूप में प्रसारित करता, दूरदर्शन पर भी देता। अगर कछुए इसी तरह इधर उधर टाल मटोल करते रहेंगे तो दौड़ कैसे होगी, कैसे होगा खरगोश जाति का मुंह उजला यानी कलंक कैसे धुलेगा, कैसे सदियों से चली आ रही कलंक दूर होगा। उसकी इस चुनौती को, प्रस्तावित दौड़ को और उसके परिणाम को पूरे प्रचार प्रसार की जरूरत थी। प्रचार प्रसार करना यानी लोगों तक पहुंचाना अपनी बात को।
स्थानीय या राष्ट्रीय नहीं, यानी जहाँ पे होना था दौड़ वो वही नहीं, राज्य देश के स्तर पर नहीं विश्व जगत में भी उसकी बात पहुँचनी चाहिए थे। उस कलमोही कहावत को कह रहे हैं कि अलग अलग भाषाओं में लिखकर जमकर प्रचार हुआ है उसका। अतः सोच समझकर खरगोश ने एक नया पासा फेंका, पैतरा खेला। मैं फिर इसी समय आऊँगा कल, इस बार मेरे साथ प्रेस और फोटोग्राफर भी होंगे। अगर कोई कछुआ दौड़ लगाने के लिए तैयार नहीं हुआ तो समझ लो कहावत बदल जाएगी, देश विदेश के अखबारों में छपेगा कि अब खरगोश कछुए से दौड़ जीत गया है। आगे पढ़ते हैं। खुले चुनौती के बाद भी कोई कछुआ दौड़ में खरगोश को नहीं हरा सका, यह कहावत कोई तुम्हारी जागीर नहीं। जागीर का मतलब होता पुरस्कार स्वरूप दी गई संपत्ति, जिसका फायदा तुम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी उठाते चले जाओगे। और खरगोश कहता है उनको खुली चुनौती देने के बाद कछुए से कहता है कि कछुआ दौड़ में खरगोश को नहीं हरा सका, वह कहावत कोई तुम्हारी जागीर नहीं है। आगे कह रहे हैं कि खुली चुनौती के बाद भी कोई कछुआ दौड़ में खरगोश को नहीं हरा सका, वह कहावत कोई तुम्हारी जागीर नहीं है। जागीर का मतलब होता है पुरस्कार स्वरूप दी गई संपत्ति, जिसका फायदा यानी लाभ तुम पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत उठाते चले जाओगे। यहाँ खरगोश उन लोगों को कहता है खुली चुनौती के बाद कि कोई कछुआ दौड़ में खरगोश को नहीं हरा सका, वह कहावत तुम्हारी कोई जागीर नहीं है, जिसका लाभ तुम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी लेते चले जाओगे। आगे हैं, खरगोश तो उफनता बिफरता अगले दिन आने के लिए कह कर लौट गया, लेकिन कछुओं की चेतना यानी होश घंटों तक नहीं लौटी। बैठे बिठाए किस मुसीबत यानी मुश्किल में पड़ गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, यह अचानक खरगोश की मति यानी बुद्धि कैसे फिर गई, बदल गई। गहन यानी गहरी मंत्रणा यानी सोच विचार करने के लिए सभी कछुए अपने मुखिया के चारों ओर सिमट गए। जब खरगोश उन लोगों को कहकर चला गया कि ये तुम्हारी कोई जागीर नहीं है, जो इसका लाभ तुम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी लेते चले जाओगे। खरगोश उफनता बिफरता अगले दिन आने के लिए कहकर लौट गया, लेकिन कछुओं की चेतना यानी होश घंटों तक नहीं लौटी। उसकी बात सुनकर सोचने लगे कि बिना मतलब के बैठे बिठाए किस मुश्किल में हम लोग पड़ गए, सब कुछ अच्छा चल रहा था, ठीक ठाक चल रहा था, यह अचानक खरगोश की बुद्धि कैसे फिर गई। यह गहरी सोच विचार करने के लिए सभी कछुए अपने मुखिया के चारों तरफ बैठ गए, सिमट गए। आगे है, चिंता तो मुखिया की वाणी यानी बोली गंभीर यानी धीमा हो गई थी, यह हमारे लिए घोर यानी गहरी संकट अर्थात मुश्किल की घड़ी है। लगता है यह खरगोश बिना दौड़ लगाए नहीं मानेगा और हम दौड़ को जीत नहीं सकते। मुझे कोई उपाय यानी तरकीब नहीं सूझ रहा है। हाँ, इस संकट में अगर हमारी कोई सहायता है अर्थात मदद कर सकता है तो वह है मनुष्य। उसमें सोचने समझने की ताकत शक्ति हमसे कुछ ज़्यादा है। ईश्वर ने उसके मस्तिष्क यानी दिमाग का आकार प्रकार यानी बनावट हमसे बड़ा और ज़्यादा पेचीदा बनाया है। उसमें दिन रात नए नए खुरापाते यानी शैतानियाँ पकती रहती हैं। अगर वह हमारी सहायता करना चाहे तो कोई न कोई जुगाड़ यानी तरकीब जरूर निकाल लेगा। कह रहे हैं कि चिंतातुर यानी चिंतित मुखिया की बोली गंभीर हो गई थी और कह रहा है कि यह हमारे लिए बहुत ही मुश्किल का समय है। लगता है यह खरगोश बिना दौड़ लगाए मानेगा नहीं और हम दौड़ में जीत भी नहीं सकते। हमें कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा है। अगर इस मुश्किल से हमें कोई निकाल सकता है, हमारी कोई मदद कर सकता है तो वह मनुष्य है, जो उसमें सोचने समझने की शक्ति हमसे ज़्यादा है। ईश्वर ने उसके मस्तिष्क का बनावट हमसे बड़ा और ज़्यादा पेचीदा बनाया है। उनके दिमाग में दिन रात नई नई शैतानियाँ पकती रहती है। अगर वह हमारी सहायता करना चाहे तो कोई ना कोई रास्ता तरकीब जरूर निकाल लेगा। आगे पढ़ते हैं, लेकिन मनुष्य जाति तो बहुत लालची होती है, बिना फायदा के तो एक फली भी नहीं फोड़ती, हमारी सहायता क्यों करेगी, एक बुजुर्ग कछुए ने टोका। मुखिया बुजुर्ग से सहमत था,
बुजुर्ग कछुए ने 16 आने सच कहा था, उसके अपने अनुभव का यही निचोड़ यानी परिणाम था। लेकिन इस बार प्रश्न इतना विकट यानी मुश्किल था कि कछुआ जाति हर ओखली में सिर देने को तैयार था। हर ओखली में सिर देने का मतलब होता है कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाना, मुश्किल से निकलने के लिए। सब कुछ दांव पर लगा था, पूर्वजों की इज्जत, गौरवशाली परंपरा, उज्जवल इतिहास, अतः उसने भी खुलकर खेलने की ठान ली यानी तय कर लिया। तालाब में डुबकी लगाई और तलहटी में छिपाई स्वर्ण मुद्राओं की थैली निकाल लाया। यह स्वर्ण मुद्राओं की थैली 500 वर्ष पूर्व एक श्रेष्ठी यानी सेठ की गांठ से निकलकर उस समय तलहटी में पहुंच गई थी। जब वह इस प्राचीन तालाब में डुबकियां लगा रहा था, इस थैली की खोज मुखिया के पूर्वजों ने की थी और तभी से यह एक पुस्तैनी धरोहर यानी संपत्ति बनकर पीढ़ी दर पीढ़ी उसके परिवार के पास चली आती थी। शायद आज उसके सदुपयोग का उचित यानी योग्य अवसर अर्थात मौका आ गया था। यहाँ कह रहे हैं कि जब मुखिया ने कहा कि अगर हमारी कोई मदद कर सकता, हमें इन मुश्किलों से निकाल सकता है कोई, तो मनुष्य है। तो उसकी बात सुनकर मनुष्य एक बुजुर्ग कछुए ने कहा कि लेकिन मनुष्य जात तो बहुत लालची होता है, बिना फायदे के एक फली भी नहीं फोड़ता, तो हमारी मदद क्यों करेगा। तो उसकी बात सुनकर मुखिया उसके बात से बहुत सहमत थे। बुजुर्ग कछुआ 100% सच कहा था, उसके अपने अनुभव का यह परिणाम था। लेकिन इस बार प्रश्न इतना मुश्किल था कि कछुआ जाति हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार था। सब कुछ दांव पे लगा था, पूर्वजों का इज्जत, गौरवशाली परंपरा, उज्ज्वल इतिहास, अतः उसने भी खुल कर खेलने का निश्चय कर लिया। तालाब में डुबकी लगाई और तालाब के नीचे तलहटी में छिपाई स्वर्ण यानी सोने की मुद्राओं की थैली निकाल कर लाया। यह स्वर्ण मुद्राएं की थैली 500 साल पहले एक सेठ की गांठ से निकलकर उस समय तलहटी में पहुंच गई थी। जब वह इस पुराने तालाब में डुबकियां लगा रहा था, इस थैली की खोज मुखिया के पूर्वजों ने की थी और तभी से यह एक पुस्तैनी धरोहर यानी संपत्ति बनकर पीढ़ी दर पीढ़ी उसके परिवार के पास चली आती थी। शायद आज उसके सही उपयोग का समय आ गया था। आगे पढ़ेंगे। स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर कछुओं का मुखिया मनुष्य जाति के प्रसिद्ध वकील तिकड़म दास के पास पहुंचा। रो रो कर अपनी सारी व्यथा यानी दुख सुनाई और सहायता के लिए पुरजोर यानी पूरी तरह से जोर लगाकर गुहार की, प्रार्थना की, विनती की। नामी यानी प्रसिद्ध वकील तिकड़म दास ने मुंह टेढ़ा कर लिया, उलाहना दिया यानी फटकारा। कछुए होकर खरगोश से दौड़ जीतना चाहते हो, खरगोश की छलांग देखी है कभी। कछुए ने तिकड़म दास के सामने स्वर्ण मुद्राओं की थैली खोल दी। थैली खुलते ही स्वर्ण मुद्राएं बिखर कर फैल गई। तिकड़म दास ने आँखों में गिनती कर ली। खरे यानी शुद्ध सोने की पूरी 21 मुद्राएं थी। सहज यानी जो मनुष्य का प्राकृतिक व्यवहार होता है वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया हुई। उसकी आँखों में चमक और आवाज़ में सहानुभूति यानी हमदर्दी उमड़ पड़ी। तुम मुझसे आखिर क्या चाहते हो? तिकड़म दास ने 2 मिनट सोचा, फिर स्वर्ण मुद्राएं बटोरी और बोला, जाओ तुम्हारी इज्जत बची रहेगी, अब जब खरगोश आए तो उसे मेरे पास ले आना, कहना कि यह प्रतियोगिता मेरी देखरेख में होगी, बाकी सारी बात मैं संभाल लूँगा, तुम निश्चिंत रहो। कछुए ने स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर मुखिया मनुष्य जाति के प्रसिद्ध वकील तिकड़म दास के पास पहुंचा। रो रोकर अपनी सारी दुख तकलीफ सुनाई और सहायता के लिए, मदद के लिए बहुत पुरजोर जोर लगाकर विनती किया, गुहार किया। नामी वकील तिकड़म दास उसे देखकर मुंह टेढ़ा कर लिया और उसे फटकारते हुए कहा कि कछुए होकर खरगोश से दौड़ लगाना चाहते हो, जीतना चाहते हो, खरगोश की कभी छलांग देखे हो तुम? कछुए ने तिकड़म दास के सामने सोने की मुद्राओं की थैली खोल दी। थैली खुलते ही स्वर्ण मुद्राएं बिखर कर फैल गईं। तिकड़म दास ने आँखों में उसकी गिनती कर ली। शुद्ध सोने की पूरी 21 मुद्राएं थी। तो जो मनुष्य का स्वभाव होता है उस स्वभाव के अनुसार, प्राकृतिक नेचर के अनुसार उसने अपना व्यवहार बदला। उसने परिवर्तन करते हुए कहा
उसकी आंखों में चमक आ गई और आवाज़ में हमदर्दी उमड़ पड़ी। उसके साथ हमदर्दी जताते हुए कहा, तुम आखिर मुझसे क्या चाहते हो? तिकड़मदास 2-3 मिनट सोचता है, फिर स्वर्ण मुद्राएं बटोर लेता है और बोलता है, जाओ, तुम्हारी इज्जत बची रहेगी। अब जब खरगोश आए तो उसे मेरे पास ले आना और कहना कि यह प्रतियोगिता मेरी देख रेख में होगी, बाकी सारी बात मैं संभाल लूँगा, तुम निश्चिंत रहो, आश्वस्त रहो। आगे कछुआ और बहुत सारी बातें कहना और जानना चाहता था, लेकिन तिकड़मदास आगे कुछ भी बोलने बताने के मूड यानी विचार में नहीं थे। अतः कछुआ मन महसूस कर यानी अपने मन को दबा कर वापस लौट आया। उसको यह नहीं बताया गया था कि तिकड़मदास सारी बात कैसे संभालेगा। जब सारी कौम यानी जाति पर संकट हो, तब भला मौखिक यानी मुँह से खाली आश्वासन ढाढ़ से मुखिया कैसे निश्चिंत बेफिक्र हो सकता था। उसे तो यह भी नहीं बताया गया था कि दौड़ होगी या नहीं, दौड़ हुई तो जीत कैसे होगी। मुखिया के साथ साथ सारी जाति चिंतित थी। एक ने कह ही दिया, मुझे तो लगता है कि स्वर्ण मुद्राएं बेकार यानी व्यर्थ ही गई, मनुष्य भला खरगोश से हमें कैसे जिताएगा, हमारी जगह खुद तो दौड़ने से रहा। सुनकर मुखिया ने आंखें तरेरी यानी क्रोध दिखाया, तू अभी मनुष्य स्वभाव को नहीं जानता, पैसे की खातिर वह सब कुछ कर सकता है, आज के दिन उसमें कहीं ईमानदारी बाकी है तो बस बेईमानी के कामों में ही, तू देखता रह, स्वर्ण मुद्राएं बेकार नहीं जाएंगी। अपना तिकड़मदास कोई न कोई तिकड़म यानी तरकीब भिड़ा कर यानी निकाल कर रहेगा। जब तिकड़मदास उसे कुछ बताने के विचार में नहीं रहता है, कछुआ बहुत सारी बातें करना चाहता है, जानना चाहता है, लेकिन तिकड़मदास के सामने बोल नहीं पाता उसके मूड को देखकर, अतः वह अपना मन दबाकर वापस लौट आता है। उसको यह भी नहीं बताया गया था कि तिकड़मदास सारी बातें कैसे संभालेंगे। कछुआ जाति पे जो संकट है, उस संकट को देखते हुए खाली मुंह से कहे हुए धाड़ से कैसे निश्चिंत हो सकते थे। उसे तो यह भी नहीं पता था कि दौड़ होगी या नहीं होगी, दौड़ होगी तो जीतेंगे कैसे हम लोग। मुखिया के साथ साथ सारी कछुआ जाति चिंतित थी। एक ने इतना भी कह दिया कि मुझे लगता है कि सोने की मुद्राएं बेकार ही गई, मनुष्य भला हमें कैसे जिताएगा, हमारी जगह खुद तो दौड़ने से रहा। तो उसकी बातें सुनकर मुखिया उसे आंखें दिखाने लगते हैं, कहते हैं कि तू अभी मनुष्य के स्वभाव को नहीं जानता, मनुष्य पैसे के खातिर सब कुछ कर सकता है, अगर आज के दिन में उसके में कहीं ईमानदारी बची है तो बस बेईमानी के कामों में, बुराई के कामों में, गलत कामों में, तू देखता रह, स्वर्ण मुद्राएं बेकार नहीं जाएंगी, अपना तिकड़मदास कोई न कोई तिकड़म अवश्य भिड़ा कर रहेगा यानी तरकीब निकाल कर रहेगा। आगे है, अगले दिन जब खरगोश आया तो कछुआ उसे तिकड़मदास के पास ले गया। खरगोश अपने साथ 2 प्रेस संवाददाता भी लाया था। खरगोश अपनी जीत के लिए इतना आश्वस्त यानी निश्चिंत था कि तिकड़मदास को उस दौड़ का रेफरी बनाने में भी उसे कोई ऐतराज यानी दिक्कत नहीं हुआ। तिकड़मदास रेफरी ने प्रतियोगिता की शर्तें गिनानी प्रारंभ की। यह एक लंबी दौड़ होगी जिसमें प्रतियोगी 10 किलोमीटर की दूरी एक बार में तय करेंगे, मुझे मंजूर है, लेकिन इस दौड़ के विजेता के गले में फूलों की माला डालकर उसका फ़ोटो खींचा जाना चाहिए, जो अखबारों में छपना चाहिए और दूरदर्शन पर भी दिखाई जाना चाहिए। अगले दिन जब खरगोश आया तो कछुआ उसे तिकड़मदास के पास ले गया। खरगोश ने अपने साथ 2 प्रेस संवाददाता भी लाया था। खरगोश अपनी जीत के लिए इतना निश्चिंत था कि तिकड़मदास को इस दौड़ का रेफरी बनाने में उसे कोई दिक्कत नहीं हुआ। तिकड़मदास रेफरी ने प्रतियोगिता की शर्तें गिनानी शुरू की। उन्होंने कहा कि यह एक लंबी दौड़ होगी जिसमें प्रतियोगी 10 किलोमीटर की दूरी एक बार में निश्चय करेगा। तो उसकी बात सुनकर खरगोश कहता है कि मुझे स्वीकार है, मंजूर है, लेकिन इस दौड़ के विजेता जो होंगे उनके गले में फूलों की माला डालकर उसका फ़ोटो खींचा जाना चाहिए, जो अखबारों में छपना चाहिए और दूरदर्शन पर भी दिखाई देना चाहिए। आगे पढ़ते हैं, खरगोश ने अपना प्रस्ताव यानी शर्त रखा। वह निश्चित जीत का कल्पना यानी सपना चित्र साकार यानी पूरा देख रहा था।
विक्रम दास ने दूसरी शर्त रखी। दौड़ शुरू कराकर हम कार से प्रेस फोटोग्राफर को लेकर निश्चित स्थान पर पहुँचेंगे। जो प्रतियोगी 10 किलोमीटर दौड़ निश्चित स्थान पर पहले पहुँचेगा उसे ही विजेता यानी विजयी घोषित किया जाएगा। तिकड़म दास ने तीसरी शर्त रखी। पहले पहुँचने वाले प्रतियोगी को विजेता घोषित किया जाएगा। यह घोषणा यानी ऐलान अंतिम और सर्वमान्य होगा यानी सभी को मानना होगा। इसकी कोई अपील यानी सुनवाई नहीं होगी। इस दौड़ में हारे हुए प्रतियोगी को या उसकी कौम यानी जाति के किसी सदस्य को फिर कभी भविष्य में आने वाले समय में दूसरे प्रतियोगी की कौम यानी जाति को दौड़ के लिए चुनौती देने का अधिकार नहीं रह जाएगा। कछु और खरगोश के बीच यह सदा सदा यानी हमेशा हमेशा के लिए अंतिम और मान्यता प्राप्त मुकाबला यानी प्रतियोगिता होगा। खरगोश खुशी से झूम उठा। यही तो वह चाहता था। उसने भी तीसरा प्रस्ताव रखा। क्या इस प्रतियोगिता को टीवी पर नहीं दिखाया जा सकता? केवल अंतिम स्थल पर विजय के क्षणों को टीवी पर दिखाया जाएगा। यहाँ तिकड़म दास ने खरगोश का मन रख लिया। कह रहे हैं कि खरगोश ने अपना शर्त रखा। वह निश्चित जीत का सपना साकार होते हुए पूरा होते हुए देख रहा था। तिकड़म दास ने भी दूसरी शर्त रखी कि दौड़ शुरू कराकर हम कार से प्रेस फोटोग्राफर को लेकर जहां निश्चित किया गया स्थान वहां पर पहुंचेंगे। जो प्रतियोगी 10 किलोमीटर की दौड़ निश्चित कर उस स्थान पर पहुंचेगा उसे ही विजयी माना जाएगा, ऐलान किया जाएगा। उसके लिए तिकड़म दास ने तीसरी शर्त रखी कि पहले पहुंचने वाले प्रतियोगी को विजेता घोषित किया जाएगा। यह घोषणा ऐलान अंतिम और सर्वमान्य होगा यानी सबको मानना पड़ेगा। इसके लिए कोई फिर से सुनवाई नहीं होगी। इस दौड़ में हारे हुए प्रतियोगी को या उसकी जाति के किसी सदस्य को फिर से आने वाले समय में दूसरे प्रतियोगी की जाति को दौड़ के लिए चुनौती देने का अधिकार नहीं रह जाएगा। कछुए और खरगोश के बीच यह हमेशा के लिए अंतिम और मान्यता प्राप्त प्रतियोगिता होगा। खरगोश उनकी बातें सुनकर खुशी से झूम उठा। वह यही चाहता भी था। उसने तीसरा प्रस्ताव यानी शर्त रखा कि क्या इस प्रतियोगिता को हम टीवी पर नहीं दिखा सकते या दिखाया नहीं जा सकता? तो रेफरी ने कहा, तिकड़म दास ने, कि केवल अंतिम जहां लास्ट स्थान अंतिम स्थान होगा वहीं पे विजय के छड़ों यानी पलों को टीवी पर दिखाया जाएगा। यहां तिकड़म दास ने खरगोश का मन रख लिया। आगे प्रतियोगिता का दिन और समय तय करके सभी चले गए थे, लेकिन कछुओं का मुखिया अभी भी सिर झुकाए चिंताग्रस्त यानी चिंता से भरे हुए खड़ा था। चाह कर भी वह स्वर्ण मुद्राओं के साथ अपनी चिंता मनुष्य को स्थानांतरित नहीं कर सकता था। वकील तिकड़म दास ने उसे देखा, मुस्कुराया और बोला, कल हम तालाब के किनारे स्वयं आएंगे और बताएंगे कि कछुओं की ओर से इस दौड़ में कौन दौड़ेगा। अब तुम जाओ। मनुष्य के पेचीदा मस्तिष्क और अपनी खरी स्वर्ण मुद्राओं पर आस्था यानी विश्वास जमाए विवश यानी लाचार मुखिया लौट आया। अगले दिन वकील साहब टहलते हुए आए और कछुओं के प्रतियोगिता का चुनाव कर गए। चुनाव करना यानी चुन गए जिसे भेजना था दौड़ के लिए। जो कुछ वकील साहब ने समझाया वह भी कछुओं ने अच्छी भली प्रकार यानी अच्छी तरह समझा। दो हमशक्ल जुड़वा हमशक्ल यानी एक शक्ल वाले जुड़वा कछुओं में से एक ने उसी समय प्रतियोगिता की अंतिम सीमा रेखा पर डेरा जमाने के लिए प्रस्थान कर दिया। डेरा जमाना यानी पड़ाव डालना। करें कि प्रतियोगिता का दिन और समय तय करके चले गए सभी लोग, लेकिन कछुआ जो कछुओं का मुखिया था वो सिर झुकाए हुए चिंता के मारे खड़ा था। वह चाहकर भी अपने सोने की मुद्राओं के साथ अपनी चिंता मनुष्य को सौंप नहीं सकता था। स्थानांतरित करना यानी सौंपना। वकील तिकड़म दास ने उसे देखा, मुस्कुराया और बोला कि कल हम तालाब के किनारे खुद आएंगे और बताएंगे कि कछुओं की ओर से इस दौड़ में कौन दौड़ेगा। अब तुम जाओ। मनुष्य के पेचीदा यानी टेढ़े मेढ़े दिमाग, घुमाव फिराव वाले दिमाग और अपनी सोने की स्वर्ण मुद्राओं पर विश्वास रखे लाचार मुखिया लौट गया। अगले दिन वकील साहब टहलते हुए आए और कछुओं के प्रतियोगिता का चुनाव कर गए। जो वकील साहब ने समझाया सभी कछुओं ने अच्छी तरह समझ लिया।
दो एक शक्ल वाले जुड़वा कछुओं में से एक ने उसी समय प्रतियोगिता की अंतिम सीमा रेखा पर डेरा जमाने के लिए प्रस्थान कर दिया यानी चल दिया। आगे पढ़ते हैं, निश्चित दिन निश्चित समय पर निर्धारित स्थान में दौड़ प्रतियोगिता प्रारंभ हुई। पहली छलांग में खरगोश कछुए से प्रतियोगिता में आगे निकल गया। प्रतियोगिता रेफरी तिकड़म दास की कार में फोटोग्राफर और प्रेस संवाददाताओं के चंद मिनटों में ही खरगोश से भी आगे निकल गई। जब गुब्बार उड़ाती कार खरगोश के बाजू यानी बगल से गुजरी तो खरगोश ने ठहर कर पीछे मुड़कर देखा। बेचारा कछुआ तेजी से हाथ पैर मारता हुआ धीरे धीरे सरकता चला आ रहा था। निश्चिंत होकर खरगोश दौड़ लगाने लगा। इस बार उसने कम से कम दस किलोमीटर की दूरी तय करने की ठान रखी थी, निश्चित कर रखा था। रास्ते में सोना तो दूर रहा, एक मिनट को सुस्ताने यानी आराम करने का भी प्रोग्राम यानी आयोजन नहीं था। थकान मिटाने के लिए उसने कमर भी सीधी नहीं की, अर्थात थोड़ा भी आराम नहीं किया। बस जीत की यानी विजय की धुन यानी लगन में तेजी से दूरी नापता रहा। उसे जीत के साथ साथ एक रिकॉर्ड भी कायम करना था। कह रहे हैं कि निश्चित दिन निश्चित समय पर और निर्धारित स्थान से दौड़ प्रतियोगिता शुरू हुई। पहली छलांग में खरगोश कछुए से प्रतियोगिता में आगे निकल गया। प्रतियोगिता रेफरी तिकड़म दास की कार में फोटोग्राफर और प्रेस संवाददाता कुछ मिनटों में ही खरगोश के आगे से निकल गए। जब गुब्बार यानी धूल उड़ाती कार खरगोश के बगल से गुजरी तो खरगोश ने ठहर कर पीछे मुड़कर देखा तो बेचारा कछुआ तेजी से हाथ पैर मारता हुआ धीरे धीरे सरकता चला आ रहा था। निश्चिंत होकर खरगोश दौड़ लगाने लगा और इस बार ने उसने कम से कम समय में 10 किलोमीटर की दूरी तय करने का निश्चय किया था। रास्ते में सोना तो दूर रहा, एक मिनट आराम का भी उसका प्रोग्राम नहीं था। वो थकान मिटाने के लिए अपनी कमर भी सीधी नहीं की, थोड़ा सा रुका भी नहीं, आराम भी नहीं किया। बस विजय यानी जीत की लगन में तेजी से दूरी नापता रहा। उसे जीत के साथ साथ एक रिकॉर्ड भी निश्चय करना था। आगे पढ़ते हैं, जब खरगोश निर्धारित स्थान पर पहुंचा तो वहां का दृश्य यानी सीन देखकर गस खा गया। यानी कि जब खरगोश जहां निश्चित किया गया था वहां पहुंचने पर जो पहले पहुंचेगा उसका विजय होगा, तो उस स्थान पर पहुंचने के बाद जब वहां का दृश्य देखा वह सीन देखा तो बेहोश होकर गिर गया। आगे है, कछुए के गले में विजय माला पड़ी थी और प्रेस फोटोग्राफर उसके विभिन्न यानी अलग अलग कोणों यानी एंगल से फोटो खींच रहे थे। प्रतियोगिता रेफरी तिकड़म दास वकील कछुए को विजेता घोषित कर चुके थे। इस बार फिर खरगोश दौड़ में कछुए से हार गया था। प्राचीन कहावत यानी पुरानी कहावत ज्यों की त्यों बनी रही, ज्यों की त्यों यानी जैसी की तैसी। दौड़ में खरगोश कछुए से हारता है, यह सब कैसे हुआ यह युवा खरगोश की समझ से परे था, बाहर था। कह रहे हैं कि कछुए के गले में विजय माला पड़ी थी और प्रेस फोटोग्राफर उसके अलग अलग कोणों से फोटो खींच रहे थे। प्रतियोगिता रेफरी तिकड़म दास वकील कछुए को विजेता घोषित यानी ऐलान कर चुके थे। इस बार फिर खरगोश दौड़ में कछुए से हार गया था। पुरानी कहावत जैसी की तैसी बनी रही, खरगोश दौड़ में खरगोश कछुए से हारता है, यह सब कैसे हुआ यह युवा खरगोश के समझ के बाहर था, उसको समझ में कुछ आया नहीं। आगे पढ़ते हैं, तालाब के किनारे कछुओं ने मिठाई बांटी। एक कछुआ समाचार पत्र भी ले आया, उसमें विजेता कछुए का गले में माला डाले बड़े आकार का फोटो छपा था। फोटो देखने सभी कछुए पानी से बाहर निकल आए थे। कछुओं में के मुखिया ने विजेता कछुए के भाई को फटकारा यानी डांटा, तू पानी के अंदर जा, तुझसे वकील साहब ने क्या कहा था, कुछ दिन अपनी सूरत यानी चेहरा किसी को न दिखाना। अपराध बोध से ग्रस्त जुड़वा भाई लपक कर फिर पानी में घुस गया। अपराध बोध का मतलब होता है जुर्म करने के बाद गलती का एहसास करना, उससे पीड़ित होना। समस्त कछुआ समुदाय मानव मस्तिष्क और स्वभाव की विलक्षण यानी अलौकिक पेजदगिनियों का मन ही मन कृतज्ञ यानी आभारी हो गया था।
कह रहे हैं कि तालाब के किनारे कछुओं ने जीत की मिठाई बांटी। एक कछुआ समाचार पत्र भी ले आया, उसमें विजेता कछुए का गले में माला डाले बड़े आकार का फोटो भी छपा था। फोटो देखने सभी कछुए पानी के बाहर निकल आए थे। कछुओं के मुखिया ने विजेता कछुए के भाई को डांटा, तू पानी के अंदर चला जा, तुझसे वकील साहब ने क्या कहा था, कुछ दिन तुम अपना चेहरा किसी को मत दिखाना। यह सुनकर जैसे जुर्म के बाद अपनी गलती का एहसास होना, महसूस करना, इस पीड़ित भाव से जुड़वा भाई लपक कर फिर पानी में चला गया, घुस गया। और करे पूरे कछुआ समुदाय, कछुआ जाति मानव के दिमाग और उसके स्वभाव की अलौकिक पेचदगिनियों का मन ही मन आभारी हो गया था। बच्चों, यह पाठ आपका समाप्त होता है। इसको वीडियो को आप लोग अच्छे से सुनिएगा, आगे का पाठ आगे की वीडियो में पढ़ाया जाएगा, जो भी इसका प्रश्न उत्तर होगा आपको दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।